रनों की हार मिली। सेमीफाइनल में हार के बाद भारत विश्व कप से बाहर हो गया है। भारत की हार से कानपुर में क्रिकेट फैंस भड़क उठे। लोगों ने टीवी फोड़कर अपना गुस्सा निकाला तो वहीं भारतीय क्रिकेटर्स के पोस्टर्स को आग के हवाले कर दिया गया। आग के हवाले उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया का पिछले 7 मैचों में रहा है वैसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में करके फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी टीम इंडिया। लेकिन आज जिस तरह का रिपोर्ट धोनी के खिलाड़ियों की ओर से किया गया है, न हमारे गेंदबाज चले, न हमारी गेंदबाजी चली, हर मौके पर टीम इंडिया फ्लॉप रही और उसी का गुस्सा अब देश के अलग अलग कोने में दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस टीवी पर नजर गड़ा कर लोग आज पूरे दिन भर बैठे रहे उसी टीवी को उन्होंने फोड़ दिया और खिलाड़ियों के पोस्टर्स में आग लगा। ये कानपुर की तस्वीरें देखी आपने और वहीं दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में भी गुस्साए क्रिकेट फैंस ने टीवी तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। टीम इंडिया के हार से नाराज द कैपिटल दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, वहीं रांची में महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैच भारत की पकड़ से निकलते ही सुरक्षा कर्मियों की टीम ने धोनी के घर के चारों तरफ से घेराबंदी कर ली ताकि गुस्साए क्रिकेट फैंस यहां किसी भी तरह का हंगामा ना कर पाए और उसी की तस्वीरें हम आपको धोनी के परिवार वाले घर के अंदर मौजूद आज दिन भर सबने टीवी पर ये पूरा का पूरा मैच देखा। लेकिन टीम इंडिया की पकड़ जिस तरह मैच से छूटती चली गई उसके बाद फैंस में गुस्सा और धोनी के घर के ऊपर ये गुस्सा रांची के लोगों का ना उतरे इसके लिए चारों तरफ सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। टीम इंडिया के हार के बाद दिल्ली में क्रिकेट फैंस बेहद गुस्से में हैं। ज्यादातर क्रिकेट फैंस हार का ठीकरा विराट कोहली पर फोड़ रहे हैं। कई लोगों ने तो विराट की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को भी नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि विराट ने आज बेहद खराब प्रदर्शन किया, सिर्फ एक रन बनाने के बाद वो पवेलियन लौट गए। विराट दिल्ली के ही है और इस वजह से उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब लोगों का गुस्सा विराट कोहली के ऊपर साफ साफ देखा जा रहा है। भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार गई है और इधर गोला गोला एकदम कहने वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया है। नाराज चेहरे और उदास चेहरे सामने हैं। बहुत उम्मीद से आप लोग हैं, कोई हास्य से बैठ गए इंडिया को ये आशिकी में बैठ रहा है। ये मौका मौका करते करते आज खेल ने धोखा मार दिया। लोग बहुत ज्यादा मायूस हैं। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
और वहीं टीम इंडिया की हार के बाद क्रिकेटर सुरेश रैना के घर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। रैना की कुछ ही दिनों के बाद शादी होने वाली है, लेकिन टीम इंडिया के विश्व कप से बाहर होने के बाद शादी की रौनक भी फीकी पड़ गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रैना के घर के माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी शिकस्त के बाद क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। गाजियाबाद में हम राजनगर इलाके में सुरेश रैना के घर के बाहर मौजूद हैं और अगर पिछले मैचेस की बात करें तो यहां पर जश्न का माहौल रहता था क्योंकि टीम इंडिया लगातार एक के बाद एक कई मैचेस जीतती आई थी और आज की अगर बात करें तो पूरी तैयारी थी, लेकिन वो तैयारी अब सन्नाटे में तब्दील हो गई है। ये जो आप रोड देख रहे हैं यहां पर आतिशबाजी छुड़ाने का पूरी जो तैयारी थी वो कर ली गई थी, लेकिन जाहिर तौर पर जो उम्मीद है वो टूट गई है। और सुरेश रैना ने भी क्योंकि कॉलोनी बोला अपन साइकिल चलाते से 7 रन पर वो पवेलियन वापस लौट गए तो उनके फैंस जो हैं वो भी पूरी तरह से निराश है। आप बताइए सुरेश रैना से कितनी उम्मीद थी और क्या वो उम्मीद टूट गई? मुझे सुरेश रैना जी से बहुत उम्मीद थी बट वो ऐसा नहीं रन नहीं चल पाए और जिसकी वजह से आउट हो गए थे। हमने बहुत तैयारी करी थी सुबह से, ढोल नगाड़े सब पटाखे इकट्ठे करे थे हमने, लेकिन सुरेश रैना के बट वो मात्र 7 रन बना के पवेलियन चले गए। जी हमें पूरी उम्मीद थी, हम ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ रेडी थे कि कब सुरेश रैना हर सिक्स पे हम यहाँ पे डांस करते थे पिछले मैचों में जैसा कि आप देखते थे, पर इस मैच में रैना से बहुत उम्मीद थी पर वैसा हुआ नहीं जैसा हम सोच रहे थे। सुरेश रैना का प्रदर्शन रहा वो भी जो दर्शक हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हार जीत वैसे खेल का हिस्सा है और तमाम प्रशंसकों को इस बात को भी समझना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में पुलिस भर्ती घोटाले